नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी अब पूर्व एमएलसी भी हो जाएंगे। आज उनका विधान परिषद का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, तो खबर यही है कि मुकेश सहनी के विधान परिषद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और जो विधान परिषद के लिए नवनिर्वाचित 7 सदस्य हैं उनका शपथ ग्रहण भी आज होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और विधान परिषद के जो सभापति है वो इस अवधेश नारायण सिंह वो इन सभी 7 नए विधान पार्षदों को शपथ दिलाएंगे। और जो 7 नए विधान पार्षद नए एमएलसी चुनकर आए हैं उनमें से हैं बीजेपी से हरी सहनी, अनिल शर्मा, जेडीयू से रविंद्र प्रसाद सिंह, अफाक अहमद खां, राजद से कारी सुहैब, मुन्नी देवी और अशोक कुमार पांडे। ये वो लोग हैं, ये 7 वो एमएलसी हैं जो आज अपने पद की शपथ लेंगे विधान परिषद में। तो एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह और दूसरी तरफ ये खबर भी है, ये जानकारी भी आपसे साझा की जानी चाहिए कि मुकेश सहनी जो पूर्व मंत्री हो चुके हैं अब पूर्व एमएलसी भी हो गए हैं क्योंकि आज उनका विधान परिषद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और मुकेश सहनी को जो आप जानते हैं जो पूरा कार्यकाल होता है उसका उसके लिए एमएलसी नहीं बनाया था बीजेपी ने, बल्कि मुकेश सहनी को इसके लिए चिढ़ाती भी थी आरजेडी, कई बार चिढ़ाया कि छोटा रिचार्ज हुआ है, जो कम दिनों का कार्यकाल होता है उस कार्यकाल वाले कोटे से मुकेश सहनी को एमएलसी बनाया गया था। तो मुकेश सहनी का कार्यकाल खत्म हो गया है, एमएलसी नहीं रहे, पूर्व एमएलसी अब हो गए हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।